गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना भी नहीं भूलना, क्योंकि कमेंट से ही हमें पता लगता है कि कौन कौन हमारी वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, आज का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको। आज बहुत ही तेज़ धूप है। तो दोस्तों, आज का मौसम कुछ इस तरह से है और हल्के से बादल हैं और धूप भी बहुत तेज लगी हुई है। ये सामने देख सकते हैं आप, और ये बहुत दिनों से कपड़े भी नहीं सूखे थे हमारे, तो ये मैंने कपड़े भी सुखाने डाल दिए हैं। और यहाँ पे बिस्तर डाल रही हूँ मैं आज धूप में, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। जब बहुत दिन के बाद बारिश होने लगती है और धूप आती है बहुत दिन के बाद, तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आज बिस्तर को भी सुखाऊंगी, और यहाँ पे मैंने बिस्तर डाले हुए हैं बाहर, और यहाँ पे काना कर रहा है पेंटिंग। तो काना बना रहा है डोरेमोन, और काना पेंटिंग बहुत अच्छी करता है, उसने बहुत सारे बना रखे हैं। तो कभी दिखाऊंगी मैं उसकी पूरी फाइल आप लोगों को, ये देखिए। और फ्रेंड्स, आज धूप बहुत तेज है, तो मैंने बहुत दिन पहले से ही ये उड़द की दाल धो के रखी हुई थी धूप में, और मैं इसको पीस लूंगी, क्योंकि ज़्यादा है उड़द की दाल, तो मैं इकट्ठा ही चैसी बनाने के लिए पीस के रख देती हूँ डिब्बे में, और जब मन होता है तब मैं निकाल के और बना लेती हूँ सीधे, क्योंकि बहुत जल्दी बनती है चैसी। जैसे ऐसे पीस के रख दूँ तो फटाफट से हो जाता है। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, और कटोरी में ले ली है मैंने उड़द की दाल जो मैंने अभी पीसी हुई है, तो मैं इसका चैसी बनाने वाली हूँ। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और मैंने डाल दिया इसमें जख्या। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये उड़द की दाल जो मैंने पीसी हुई है, और इसको मैं थोड़ी देर ऐसे ही भूनूंगी। अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। तो मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्ची, और इसमें डाल दिया मैंने नमक, धनिया पाउडर, ये मैंने हल्दी डाल दी है, तो यहाँ पे मेरी चैसी बन रही है, और मैंने चावल भी साथ में चढ़ा दिए हैं। और अब जाऊँगी मैं काना को लेने स्कूल, तो उसके बाद में खाएंगे हम खाना।